हेलो दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो एग्जाम है वो किस बेस में लिया जाएगा, ऑनलाइन बेस में लिया जाएगा या ऑफलाइन बेस में लिया जाएगा। तो यहाँ पास मैंने सुबह उसके बारे में कंफर्म किया था, जिसमें एक नोटिस जारी किया गया था जिसे कई कॉलेज अप्रूव कर चुके थे कि ये नोटिस सही है, और कई कॉलेज अभी भी इसे फेक बता रहे थे। तो मैंने उसी के बारे में शाम को चर्चा करूंगा पूरे जानकारी के साथ, एकदम डिटेल में आप लोग को बताऊंगा कि वो जो नोटिस था वो फेक है या सही था उसके बारे में। तो मैं आ चुका हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए मैं यहाँ पास एक और न्यू टैब ले लेता हूँ। यहाँ पास मैं डायरेक्ट यहाँ पास CSB2 वेबसाइट में जाऊँगा, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है CSB2 का। ओके, यहाँ पास आपको पूरी जानकारी मिलते हैं। ओके, ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पास इसका वेबसाइट है, यहाँ पास मेन। ओके, तो यहाँ पास आपको मिल जाएगा, यहाँ पास दिख सकता है 18 17, ये नोटिस अनाउंसमेंट होता है, यहाँ पास वो पहले यहाँ पास आ जाता है। आप ये सेक्शन में देख सकते हैं, जैसे 15 मई को, 12 मई को, 18 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, ये सब दिन नोटिस जारी हुआ है CSBTO में। ओके, तो हम लोग यहाँ पास सिंपल यहाँ पास नोटिस वाले जो सेक्शन है इसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पास हमें पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पास देखिए 17 मई को एक नोटिफिकेशन, 15 को, 18 को, मतलब आज का दिन भी एक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन हम लोग को जो नोटिस जो जारी हुआ था वो कल पता चल गया था। और इसमें अभी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, आज का जो नोटिस आया है उसके बारे में, तो यहाँ पास वही कल वाला जो नोटिफिकेशन मैंने वीडियो में डाला था, जो पहले वाले वीडियो में, उसमें यहाँ पास भी वही डाला हुआ है। ओके, तो CSB2 का जो ऑफिशियल साइट है उसमें अपलोड होने में थोड़ी देरी होती है, इसलिए हम लोग को, कई लोगों को पहले से पता चल जाता है कि वो हम लोग को, जैसे 17 तारीख को पता चल गया था कि ये नोटिस के बारे में। ओके, और यहाँ पास ऑफिशियल साइट में 18 तारीख को अपलोड हुआ है। तो ये नोटिस जो ऑफलाइन परीक्षा होने वाला है, ये सच्चाई, ये सच है। ऑफलाइन जो 7 और 8 सेम का, अभी जो 7 सेम बैकलॉग और 8 सेम रेगुलर और फार्मेसी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और फार्मेसी का जो सेमेस्टर एग्जाम है वो ऑनलाइन पद्धति से लिया जाएगा, यहाँ पास नोटिस जारी कर दिया गया है, इसे ये सच है। ओके, तो चलिए मिलेंगे किसी और नए अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा, थैंक यू।